गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं भाषा की बात का एक और अभ्यास। ये अभ्यास है इस पाठ का अंतिम अभ्यास, यानी कि नौकर पाठ का अंतिम अभ्यास। यह पाठ आधारित था गांधी जी के जीवन और नैतिक मूल्यों पर। हमने देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने अपने जीवन में काम को महत्व दिया, परिश्रम को महत्व दिया, किसी भी काम को उन्होंने कभी छोटा या बड़ा नहीं समझा, और उनके मन में सभी के लिए प्रेम और आदर था। चाहे वो काम करने वाला, घर में काम करने वाला कोई श्रमसेवी यानी कि मजदूरी क्यों ना हो, वे कभी भी किसी भी नौकर को घर के परिवार के सदस्य के रूप में मानते थे। उनके अनुसार हर एक व्यक्ति आदर और सम्मान का अधिकारी है, और विशेषकर जब नौकरों की बात आती है तो उनके अनुसार नौकर कोई वेतनभोगी मजदूर नहीं, बल्कि उनके परिवार का सदस्य या भाई या बहन के समान होता है। तो वे चाहते हैं कि हम भी जीवन में जो हमारे परिवार में हमारे लिए तकलीफ उठाकर कार्य करते हैं जो नौकर, तो उन जैसे लोगों को हमें मान सम्मान देना चाहिए। मतलब जो हमारी वो सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम उन्हें पैसा दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, वो आदर के भी अधिकारी हैं। तो उनसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करिए और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार और आदर दो, स्नेह दो। और अगर इस तरीके का व्यवहार हम करेंगे तो हम एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पाठ संबंधी बात थी। अब भाषा की बात में ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम अभ्यास, पेज क्रमांक 114 पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लास्ट वाला कॉलम दिया गया है। यहाँ पर बॉक्स एक चौकोर खाने के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं हरे खाने में। तो यहाँ करने के लिए क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि नीचे लिखे कुछ शब्द पाठ से लिए गए हैं और आपको ये देखकर बताना है, पाठ में से ही खोज कर बताना है कि वे स्त्रीलिंग का रूप है या पुल्लिंग। तो हम शब्द को देख लेते हैं और उनका प्रयोग देखकर बता देंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे पहला शब्द है कालिक, तो गांधी जी क्या कर रहे थे, भगोनों की मतलब बड़े बड़े पतीले थे उनको रगड़कर मांझ रहे थे और उनकी कालिक साफ करने की कोशिश कर रहे थे, तो कालिक लगी थी। तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कालिक शब्द को, कालिक भगोने या पतेले में लगी थी, लगा था नहीं, कालिक लगा था नहीं, कालिक लगी थी, उसने हम सबके चेहरे पर कालिक मल दी। तो कालिक क्या हो गया, स्त्रीलिंग, कालिक यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब बात करते हैं रोशनी, कमरे में रोशनी फैली थी यानी कि स्त्रीलिंग का रूप है, ये भी हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, वाक्य में इसके शब्द को प्रयोग करके लिंग को पहचान सकते हैं। भराई, तालाब में भराई का काम चल रहा था, भराई की जा रही थी, भराई का काम चल रहा था तो काम को लिंग शब्द है, और भराई की जा रही थी, किसकी भराई की जा रही थी, तालाब की, तो भराई भी हुआ स्त्रीलिंग शब्द। तो इस तरीके से ये हमें तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द मिल गए हैं। चलिए अब बात करते हैं सेवा, उन्होंने सेवा की गई, ये भी स्त्रीलिंग का ही रूप है। चक्की भी चलाई जाती है, चलाया नहीं जाता, तो ये भी स्त्रीलिंग का ही रूप हुआ। यहाँ लिख देते हैं स्त्रीलिंग, चक्की भी स्त्रीलिंग का ही रूप है, क्योंकि जब हम बात करते हैं चक्की चलाई गई, पतीला बहुत बड़ा था यानी कि पुल्लिंग का रूप है। तो यहां पर आपने देखा कि पुल्लिंग का केवल एक ही शब्द है, वो है पतीला, क्योंकि पतीला मांझा गया, पतीला बड़ा था, तो वो पुल्लिंग का रूप है। बाकी कालिक मल दी, कालिक पोत दी, तो दी वाला, तो वहां पर स्त्रीलिंग, रोशनी फैली स्त्रीलिंग, भराई की गई स्त्रीलिंग, सेवा की गई स्त्रीलिंग, चक्की चलाई स्त्रीलिंग, और लास्ट में यहाँ पर आया पतीला मांझा बड़ा, तो पुल्लिंग शब्द। तो इस प्रकार से आप अलग अलग शब्दों के लिंग पहचान कर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो स्त्री या पुरुष रूप में ही हो, सजीव हो, जानदार हो, लिविंग बींग्स हो, नहीं, अगर निर्जीव चीज भी है तो हम उनके वाक्य के अनुसार उनका लिंग पहचान कर लिख सकते हैं। तो कीजिए ये अभ्यास अपनी नोटबुक में, रहे प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास वो असाइनमेंट के थ्रू,
आपके पास भेजे जाएंगे विभिन्न संकेतों के माध्यम से, तो असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन कीजिए और जो वीडियोस हैं उन्हें ध्यान से देखिए। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या दुविधा रह जाती है तो लाइव क्लास में हमसे प्रश्न करिए, आपकी दुविधाओं का निराकरण हम करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल्स में अगले कुछ पाठों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।